वो ज्यादा बड़े रूप में ना हो तो छोटे में हो, संक्षिप्त हो, जो समझ में ज्यादा आए लेकिन हो सूक्ष्म। गागर में सागर भरना है क्योंकि समय नहीं है। और ये बात सोने की त्यारी सी अपने लिए नहीं कह रहे कि समय नहीं है, वो संसार के जीवों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कलयुगी जीवों के पास समय तो है लेकिन जो समय है वो भगवान के लिए नहीं है। हमें जो समय मिलता है हम व्यर्थ के वार्तालाप में, प्रलाप में, अन्य अन्य कार्यों में उस समय का तो हम दुरुपयोग कर देते हैं, लेकिन जब कहीं भगवान की चर्चा हो रही हो, कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं भगवान की कथा हो रही हो, अगर उसमें कोई जाने के लिए कह दे, क्योंकि मन का स्वभाव है, ये मन भगवान के चरणों में लगता नहीं, इसे लगाना पड़ता है। क्योंकि जैसे पानी का प्रभाव हमेशा नीचे की ओर होता है, आप किसी भी नल को जब खोलते हैं तो उसके पानी का प्रभाव ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है। अगर पानी आपको ऊपर ले जाना है तो आपको मोटर लगानी पड़ती है, उसको चढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही जो मन है ना, ये मन सदैव कुमार की ओर अपने आप भागता है। अगर इसे सन्मार्ग पर लगाना है तो इसको लगाना पड़ेगा, इसके लिए मोटर लगानी पड़ेगी, और वो मोटर सत्संग की मोटर है। अगर आपने इसे सत्संग में जबरदस्ती बैठाया तो मन आज नहीं तो कल लगेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारा ये भी आपसे प्रश्न है कि जो कथा इसका है वो सार सार सुनाइए। और हमारा अंतिम प्रश्न आपसे बड़ा सुंदर है, वो ये है कि महाराज भगवान जब इस धरा धाम पर आए, और इसलिए आए क्योंकि जब धर्म का ह्रास होने लगा तो भगवान आए, और भगवान ने धर्म की स्थापना को किया और भगवान पुनः चले गए तो धर्म कहां गया, फिर धर्म कहां चला गया, ये हमारा प्रश्न है। इन प्रश्नों के आप हमें जरा उत्तर दीजिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं। मन में विचार किया, आओ जरा प्रभु का नाम स्मरण तो करें पहले। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले भगवान के नाम का स्मरण करने लगे हैं सूत जी महाराज। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे तिलक लगाए और मुकुट सर कर वरमाला केसर तिलक
सर गल बन माला केसर तिलक लगाए प्रभु केसर तिलक लगाए मोर मुकुट सर गल बन माला केसर तिलक लगाए प्रभु केसर तिलक लगाए वृंदावन के कुंज गल में वृंदावन के कुंज गल में सबको नाच नचाए live